नमाज में नमाज में कितनी लगाते हैं ये उन्होंने पूछा है कि आप अपनी सहूलत के बताओ पढ़ सकते हैं ये आठ सात दो अगर पकना है दो पढ़ने चार पढ़े और छह पढ़ने और आठ पढ़ने के लिए जिसको पक्को पढ़ने आपको ये भी बताया था अगर कोई साजिश है पूछे मैंने बताया भी पूछा था मिशन के साजुक है जिनके पास में यहाँ पे मोहम्मद रसूल होगा और मंदिर ने समझा आप उन जमा विकल्प बताओ तो बहुत सारे लोग अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं रमजान मुबारक में जिक्र नहीं करते रमजान मुबारक में जिक्र जमात के साथ बनी जाती है अल्लाह का इनाम है अल्लाह का अतिया है अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है हजिया है तो इसलिए रमजान में जिक्र को अपने वक्त पर जमात के साथ करें फिर इसके बाद सारी रात आप जो चाहें इबादत करें और शरीर के बाद आमिर में शामिल करें तो जिक्र को दोहराने की भी जरूरत नहीं और जिक्र को अपने वक्त से पहले खुलने की अपने वक्त पर खोलने की भी जरूरत नहीं है मुझे आए के पहले ही दो मरतबा सवाल कर चुका हूँ कि सहवाब नहीं मिला वो ये है कि आपने फरमाया कि कानून जमात मस्जिद के इरादे में नहीं होगी लेकिन मैंने कहा है मसाफिर के लिए इसकी इजाजत है वो इमाम के मसले के बावजूद ही जमात बना सकता है बड़ा कर्म जवाब बनाया भाई अल्लाह ताला के जो अहकाम है वो अहकाम मुस्लिम के लिए मुसाफिर के लिए सब बना रहे हैं अगर वजू टूट जाए पैसा के करने से मुस्लिम के लिए तो मुसाफिर के लिए टूट जा रहा है ऐसा नहीं मुसाफिर तीन मरतबा पैसा करने से उत्तर बने हैं समझ है ये अहकाम दोनों के लिए बना रहे हैं सिर्फ नमाज के असर में नमाज के कंजीशन में एक मसला है टूट का तो मस्जिद में जो जमात का मसला है वो जमात फैसला है आप सभी भी जमात में साल में जाएं या चिल्ले में जाएं या चार महीने में जाएं या पूरी दुनिया की कैदी हदीसों की जमात आए या मक्के मदीने के इमामों की जमात आए उनके लिए ये मसला है कि एक मस्जिद में जब जमात हो गई उस मस्जिद में जमात दूसरी बनाना उतने लिमिट में जहाँ तक इंतकाब किया जाता है मकलूर शाही है कि मुस्तफा फैसला है इसमें कोई इंतकाब नहीं है सारी जमात के लिए मैं आपको कहा सारी जमीन सही है और मकान है और रहते हैं किनारे हैं किनारे को छोड़ कर जहाँ जमानी की नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद के बारे आप वहाँ पर जमा करें क्योंकि शौक लगा है आपको इमाम के मसलने के बारे में नमाज पढ़ने का कमरे के ऊपर बहुत सारे लोग फूल डालते हैं सहायता करना चाहिए और किनारे के ऊपर भी बहुत सारे लोग फूल डालते हैं इसलिए जिनके पास आराम का पैसा बहुत आया होगा मुला रूम साहब आप होते इनको नहीं जाती मैं आपको बता दिया रूम अच्छी बता लेंगे अल्लाह की जन्नत की हवाएं आती रहती है अल्लाह की जन्नत की हवाओं के सामने दुनिया के मोहल्ले के खुशबू की तारीफ है ये तो बल्लू है ये पूरी आखिरत की खुशबू के मुकाबले इस बल्लू के लिए क्या करना चाहते हैं आप क्या बताना चाहते हैं आप हमारे के ऊपर फूल डालकर जनाबे के ऊपर फूल डालकर हमारे उलमा ने बताया है कि जिस मिसाल में आप फूल डालते हैं इतना लोग आप सरकार कर दीजिए खयाल कर दीजिए किसी गरीब के रोगी भी ना दीजिए आप फूल डालकर जाएंगे अभी आपके 40 सदस्य के भी रहे आपने बदले जाए और फूल को खाकर चलिए हाँ अलबत्ता एक बार हमारे उलमा बयान करते हैं कि हरियाणी जब तक हरी बड़ी सरकम को चारा रहती है उस वक्त तक वो जिक्र अल्लाह का जिक्र करते रहती है अल्लाह का जिक्र करती रहती है तो अगर कब्र के ऊपर कोई आदमी हरियाणी को डाल देता है और सरपत्र शादाबी को घुमा देता है वो अल्लाह का जिक्र कर दी है अब अल्लाह का जिक्र उस जगह पर और अल्लाह उसी जगह पर अपने आजाद को नामिल करे ये नहीं हो सकता तो इसलिए ये इजाजत रहती है कि कब्र के ऊपर आप जो है हरियाणी को आप डाल सकते हैं पूर्ण बताया इससे खुदूर सकती है अगर जिस की नमाज है अगर एक जानवर आपको चाहे तो कैसे बने अब आए देखिए किसी भी नमाज को आप किसी भी नमाज में आप शरीक होते हैं तो जो रकातें आपकी छूट जाती हैं तो छूटी हुई रकातों को आप पढ़ना है आपको तीसरी रकात मिली है तो तीसरी रकात में आपने रकात तोड़कर दुआएं जरूर पढ़ी है तो छूटी हुई रकातें सही हो जाता है और इसमें एक फायदा ये भी याद रखे कि दो से दाएं वाली रकातों में आपके बाद आपको तकलीफ के लिए बैठना है तो लिहाजा अगर आपको विकल्प की तीसरी रखा मिली तो तीसरी रखा जो मिली छूट नहीं सही हो रहा है तो एक रखा आप पहले इमाम से सलाम करने के बाद अब इतनी मिली दो रखाए तकलीफ क्या है दो रखा के बाद तकलीफ में रहेगा तो आप तकलीफ में रहेंगे फिर तीसरी रखा के लिए तय हो जाए अब पूछना है तीसरी रखा हो चुकी है सही दो रखाते आपको पढ़नी है जो रखाए छूटी है उन रखातों को आपको पढ़ना है बातों कर सकते हैं शोहर की आदमी दो रकातों में शामिल हुए शामिल होने के बाद उन्होंने अपने तौर से ऐसा मिला कि दिन में भी सही दो रकाते
उस आजाद इमाम के सलाम करने के बाद जब खड़े होते हैं तो उन दो रकातों के अंदर सिर्फ जो है पूरे पालना पड़ते हैं, संतुलन नहीं पड़ते, इसलिए कि पहली दो रकातों में ये समझते हैं कि हमारी मजबूरत इमाम के पीछे हो गई। नहीं, जब वो इमाम की आखिर से दो रकाते हैं तो फिर जो साबित है और जो आखिर में आने वाला है इनकी भी आखिर से दो रकाते हैं, सलाम के बाद आखिर से ही दो रकातों को पड़ेगा। ये अगर बात जहन में आ जाए तो साफ मसला बन जाएगा, ईद का होगा सकते हैं या नहीं। मैंने आपको बताया इंसान बदबू में थे, यही बहुत बता है अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने ईदैन में रोजा रखने को हराम करार दिया है। ये मुसीबत कहाँ में आई, हराम करार दिया। रमजान के रोजों ने खांसी के रोजा छोड़ दिया, रमजान के रोजे ने आपने तीन साढ़े का रोजा छोड़ दिया और ईद के दिन का रोजा रखने माना चाहते हैं हराम करार दिया है। हाँ, हजरत अपने ईद में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन रही है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप ईद की नमाज तक उठा लेगी जरूरी है, ईद की नमाज बजा लेगी जाने और ईद की नमाज पहले वक्त में पढ़ना आगे और आने के बाद कुर्बानी के जाना का हिस्सा आया करते थे। बताकर अगर कोई आदमी खेल से जा रहा है ईद को तो फजर ईद में भी नाश्ता करके जा सकता है, चाय पी के जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। ये जो ईद के दिन खाना रोजा रखा जाता है ये हराम है, अल्लाह ताला के साथ बचाई और नबी की सुन्नत के खिलाफ है। निकाम इस उम्र में करना चाहिए। मैंने आपको बताया मर्द और औरत के बारिश हो जाने के फौरन बाद भी ना करना चाहिए। अगर बारिश होने के बाद उन्होंने निकाह नहीं किया तो औरत के बारे में मैंने बताया कि पाकिस्तान के फौरन अपने सिकूल साहब हैं उन्होंने बताया इसके निकाह तक औरत की माहवारी के खून के खतराब के बराबर अन्ना पारा माँ बाप के नाम हमारे गुनाह लेंगे। मर्द के बारे में है कि अगर इससे कोई गुनाह अंदर हो गया, गुनाहे कबीरा हो या गुनाहे कबीरा हो, निकाह के बर्दाश्त न करने की वजह से तो इस गुनाह का वबान भी ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए उम्र का इंतजार ना करे, मेरी बच्ची की उम्र ही क्या होगी और मेरा बच्चा भी पैर पर भी खड़ा हुआ, पैर पर भी खड़ा हुआ तो ये माया से पैर पर खड़ा है क्या? आज के मालिक मुलाजिम के साथ लेखा रहता है अनुरूप करते हैं इन मालिकों के बारे में नबी से रवियत है। हजरत अब्दुल कादिर ने मतलब रवी अल्लाह तआला एक मरतबा अपने गुलाम के तमाम का रसीद किया अल्लाह के नबी के साथ आकाए आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां में गुजरे। आपने फरमाया ऐ अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, आप अपने गुलाम पर कितनी ताकत रखने वाले हैं, आपका औलाद पीछे जाकर आप पर ताकत रखने वाला है। काम गए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला फौरन फरमाया के पास का कदम आप गवा रही है, मैंने इस गुलाम को आजाद कर दिया। याद रखे वो यजमान, याद रखे वो मालिक, अगर कोई अपने गुलामों के बारे में अपनी माहों में ग्यारहवीं करेगा आपकी नमाज की माफी गुना के दरबार में मुमकिन है। इसलिए कि अल्लाह का हक है, लेकिन गुलामों के हक को पीना जुल्म किया, जबरदस्ती की और उनकी आजादी हुई तो यहाँ के लिए अपना हक के मकरूर देकर बदला करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा काम बिल्कुल ना अदा करें। इन्होंने लिखा है आप सब जमानों में निकलेंगे, हम भी आपके साथ जमानों में निकला रहेंगे, हम जमात में जाते हैं गरीबों से लड़ने के लिए, पत्थर खाने के लिए आप तकलीफ लाइए हमारे साथ पत्थर आप भी खाने आती है, हम जाते हैं मदरसों में तालीम हामिल से करने के लिए आठ साल आप रंगीन लाइए आठ साल मदरसे में जमात में निकलिए और वहाँ भी तंदूर की रोटी और वो कारण जिसके बारे में इतना बताए जरूर भी हो सकता है या नहीं खाइए तकलीफ लाइए। लोग ये समझते हैं जमात में निकला तो मुसलमान नहीं करोगे मुसलमान नहीं करोगे। मैंने आपको हजार बार बताया एक शादी जो होती है वो शादी कई चीजों से मिलकर बनती है। बावर्ची अपना खाना बनाता है, पिंडाई डालने वाला अपना पिंडाई डालता है और खाना बिछाने वाला अपना खाना बिछाता है और एक सीजन लाइटों को चढ़ाता है। अब अगर कोई ये कहे खाना बनाने वाला क्या ही शादी को मैं करूँ ना खाना बना लो ना, तो नहीं जाने वाला ये कहे हकीकत में मस्जिद को मैं तैयार हो ना, ये सारी चीजें मिलकर शादी होती है। इसी तरीके से मेरे भाई दीन का काम जो होता है वो मदरसों से होता है, वो खानकाहों से होता है, वो जमात से होता है, वो मस्जिद के मुसल्ले से होता है, वो मस्जिद के मेहराब से होता है, वो दीनी किताबों से होता है, वो तकरीर से होता है, वो खुदबात से होता है। अगर कोई इन चीजों को छोड़कर फिर यह कहेगा कि जमात ही से दीन का काम हो रहा है, दुनिया में जिससे बड़ा कंसर्न और सनातन कोई खबर नहीं है। शायद ने सवाल किया है कि हमारे दारी गुरु कहीं कभी कभी उनके सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात किया करते हैं,
तो वो सवाल करते हैं, वो कहते हैं मुझे बताएं कि मालूम है कि अल्लाह की जात है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेल है या फीमेल है, मर्द है या औरत है, मुजक्कर है या मुअन्नस है। इस किस्म के जो वसाइल पैदा होते हैं और इस किस्म के जो ख्यालात पैदा होते हैं, ये सब वक्त शैतान का काम है। अल्लाह ताला की जात ना मुजक्कर है, ना अल्लाह ताला की जात मुअन्नस है, अल्लाह की जात ना मेल है, अल्लाह की जात ना फीमेल है। अल्लाह ताला के ताल्लुक से इस किस्म के ख्यालात का पैदा होना ये शैतानी बचपनों की तरफ से है। शैतान के छह बच्चे हैं, उनमें एक बड़ा बच्चा है जो ये काम करता है, अल्लज़ी युवज्जिसु फी सुदूरिन्नास, कि जो लोगों के दिलों में, लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता है। तू किससे पैदा हो? तेरे बाप से। तेरे बाप का बाप कौन? दादा। उनका कौन? वो। उनका कौन? वो। आदम को कौन पैदा? आदम। फिर आदम को कौन पैदा किया? अल्लाह को। फौरन जहन में सवाल था, अल्लाह को किसने पैदा किया? ये सब शैतानी वसवसे हैं। ऐसी सूरत में मैंने आपको हजार मरतबा कहा, अहमदुल्ला से अपने ताल्लुक को कायम करें। अहमदुल्ला उलमा खुदा से अपने नस्बत को कायम करें। जैसे आदमी सर कसर हुआ, पेट कसर हुआ, डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे वसाइल पैदा हो तो उस वक्त हर वक्त जो इलाज वो करना है अहमदुल्ला किया करते हैं। आप ऐसे वक्त में ऐसे वसवसों से दूर रहें और ऐसा कोई पड़े लाहौल वाला कुआ पड़े, इंशाल्लाह शैतानी वसवसों से आप हिफाजत पा सकते हैं। कल आपने कहा था कि औरत अपने शौहर के छोटे भाई को जेवर नहीं कह सकती तो उसको क्या कहना चाहिए? जैसे घर के अंदर अगर कोई एक लफ्ज चला रहा है, चांद भाई कहते हैं, भाई जान कहते हैं, यही सारे, और तुझे क्या जरूरत पड़ी है शौहर के भाई को बुलाने की? तेरा मियाँ है उसे बोल, वो बात कर देगा। हम हसू की बात कर रही है, समझ गए? इसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास 90,000 रुपए हैं, घर पर एडवांस है और 380 ग्राम सोना है और 4 महीनों से बेकार हो और कोई तमाम काम भी नहीं है। 50,000 रुपए हैं, इसी में घर का खर्च करना है, तो मेरे बारे में सरकार के लिए शरीयत का क्या हुक्म है? ये 90,000 रुपए भी, ये 380 ग्राम सोना भी, ये 50,000 रुपए की खबर मेरे जाने को है क्या? अरे खर्च कर देना कल, कल को। इनका मतलब ये, मैं जब कमा नहीं रहा हूँ तो मेरे पास लाखों रुपए भी हो तो मुझे सरकार नहीं होनी चाहिए। ये मौलवी को डंडा मारकर, जूता मारकर बनवाएगा वो बोलना के मेरे ऊपर सकाते हैं। शरीयत ने जब कह दिया कि 80 पर 6 ग्राम अगर किसी के पास सोना है, हाँ अगर फर्ज है एक आदमी के पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपए से बढ़कर फर्ज है तो ठीक है, उसके ऊपर सकात नहीं है। लेकिन किसी के पास 90,000 रुपया भी है, 380 ग्राम सोना भी है, 50,000 रुपया भी है, बेशक अगर तेरे ऊपर कोई फर्ज नहीं है तो तेरे ऊपर ज़कात फर्ज है, ज़कात देना चाहिए। लिखा है कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना अफजल है या दूसरे वक्त में नमाज पढ़ना अफजल है? मिसाल के तौर पर एक मस्जिद में 1:15 बजे जोहर की नमाज होती है और एक मस्जिद में 1:30 बजे और एक मस्जिद में 1:45 को, इसमें कौन सी बेहतर नमाज है? अहनाफ के यहाँ ये जो जमात की तरतीब रखी गई है, किसी जगह सवा, किसी जगह भेड़, किसी जगह पौने दो, किसी जगह दो, किसी जगह सवा दो, किसी जगह ढाई, ये इस वजह से कि सागिर अहबाब को कहीं भी किसी वक्त की जमात मिल जाए, कोई जमात से महरूम ना रहे। लेकिन इन्होंने जो सवाल किया है वो सवाल ये है कि किस आदमी को इख्तियार है, चाहे तो वो दो की पढ़ सकता है, चाहे तो जेल की पढ़ सकता है, चाहे तो सवा की पढ़ सकता है, शहर कौन सी अफजल कौन सी है, ये अच्छा सवाल है। अहनाम के यहाँ मुस्तहब वक्त शुरू होने के बाद जो पहली नमाज है वो पहली नमाज अफजल है, जो 1:15 बजे की नमाज है, या अगर किसी जगह पर 1 बजे नमाज है तो वो पहली नमाज अफजल है। मुस्तहब वक्त के शुरू के बाद पहले वक्त में नमाज पढ़ना अफजल है। ये तरतीब जो रखी जाती है वो जमात का निजाम बनाए रखने, ताकि शहर में महल्ले में किसी की जमात छूटने ना पाए। लिखते हैं कि मेरे गुर्ज हैं वो भी आखिर के आशिफ हैं, आशिफ तो लड़कियों के हुआ करते हैं, हाँ इस वक्त किसी मस्जिद में हैं और आपके बताए हुए बातों पर अमल कर रहे हैं, लेकिन आप उनके मामले में सब हैं, मेरे गुर्ज अपने जाति मामले में सब हैं, कभी कभी अपनी अम्मी को बुरा हाला कहते हैं, कभी कभी अपने भाइयों पर झगड़ा करते हैं,
یہ آپ سے میری گزارش ہے کہ کچھ جو سلسلے میں نصیحت فرمائے. ہزار بچہ بابا نے کہا کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو شرک سخت کرنا پسند ہے. قرآن میں اللہ نے ڈکلریشن دے دیا اور بتا دیا ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. لیکن قرآن نے یہاں تک کہا اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہو, مشرک ماں باپ وہ اللہ کے غدار, نبی کے غدار, دین کے دشمن, اسلام مسلمانوں کے دشمن, وہ ان جا ہدا کا الحان کچھ لکھا بھی نہیں ماں نے تعلق علم بنا کو بھی ہونا ٹھیک ہے, صرف کی بات تک ان کی بات نہ مانو. وہ صاحب ہو ماں کی دنیا مارو پا ایسے مشرک ماں باپ کی بھی کتاب دنیا کے معاملے میں اچھی طریقے سے کیا کر بتا کے گھوما کہ دنیا والوں کا دنیا کی امور میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو. آپ اگر ہمارے شاگرد ہیں تو شاگرد کی صحت یہی ہے, آپ اپنی امی سے معافی مانگے, اپنے بھائیوں سے معافی مانگے کہ آپ کا یہ سلوک خدا کے غضب کو دعوت دینے والا ہے, آپ کا یہ معاملہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والا ہے. مثلا اگر دین کا بھی ہو تو آپ ماں باہے مانگیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ جو ہے نرمی سے, پیار سے, محبت سے سمجھائیں. بعض لوگ کہا کرتے ہیں خود تو سختی سے کہتے ہو اور دوسروں کو نرمی کا حکم دیتے ہو. میرے بھائی ہر چیز ہر آدمی نہیں کر سکتا. آپ اس اسٹیج پر آ جائیں, آپ مجاہدے کر کر قربانیاں دے کر آپ اس منزل پر آ جائیں, اس سے سخت بولے, ڈنڈا لے کر بولے, تلوار لے کر بولے حق ہے, لیکن آپ اس منزل تک تو آ جائیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے یہاں کسی خاتون نے اپنے بچے کو حضرت کی غلامی میں دے رکھا تھا کہ حضرت آپ اس کی تربیت فرمائیں اور آپ اس کی پرورش فرمائیں. کئی دنوں کے بعد ماں طالبہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ دسترخوان ہے اور دسترخوان کے اندر روٹی اور نمک ہے, میرا بیٹا روٹی اور نمک کھا رہا ہے. اور حضرت کی راہ پیر سید غلام کے عبد الخالق جیلانی رحمت اللہ علیہ برے مسلم کا چکن کباب کھائے, ماں تو ماگی, ماں کا دل بھرایا, آنکھوں سے آنکھوں نکل گئے. میرے بیٹے کیا ہو گیا, کیا کھائی ہے؟ فرمایا حضرت ایسی نا انصافی کا تصور تو میں خواب میں نہیں کر سکتے کہ ایک دسترخوان میں آپ اپنے بیٹے شاگرد کو روٹی اور نمک دے رہے ہیں اور آپ اسے مسلم اور چکن کباب کھا رہے ہیں. ایران دین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جس مرغی کو کھایا ہوا تھا ان ہڈیوں کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا کہ تم بھی بسم اللہ, اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا. اچانک وہ مرغی زندہ ہو گئی. فرمایا کہ تیرا بیٹا جب اس لائق ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم بھی اسے مرغ مسلم لائق کریں گے. تو سخت بولنا, شدھ بولنا, حکمت اور مصلحت کو اپنانا, ہر ایک کا اپنا الگ اسٹیج ہوا کرتا ہے. ہم اگر سب کہتے ہیں تو کوئی وہ بچہ اپنی ماں کے سامنے جا کر یا کوئی اپنے بڑے بھائیوں سے جا کر سب کہیں اور کہیں ہمارے استاد اور ہمارے سرمی صاحب سب کہتے ہیں, کہتے ہیں دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں, کہتے ہیں ضمیر کو جھونکنے کے لیے کہتے ہیں, کہتے ہیں نیند سے بیدار کرنے کے لیے کہتے ہیں, کہتے ہیں غفلت سے ہٹانے کے لیے کہتے ہیں. بھائی اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دے, اما کی گالی, بھان کی گالی, جھولو کی گالی دے اور وہ نقلو کی زبان لے دے تمہاری والدہ محترمہ کی فلاں فلاں, تو یہ کہے گا آدھا درد ہے. یہ سمجھ جائے گا کہ گالی کو ایسے گالی دو کہ اس کے دل کو مرا لے, آپ جہنم سے ڈرے مسکرا کر. اللہ کی جہنم ہے سب وقت, اللہ کی جہنم کو حسر کہا جاتا ہے, اللہ کی جہنم کو نذیر بن سکتا. یہ مکار ہے, تیر ہے, لوگوں کے الزامات اپنے کندھے پر لے جانے چاہتے. اس لیے یہ ڈرامے کی چیز کو بھی مسکرا کر بیان کر کے چلے جاتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات عذاب پر ایسے روتے تھے نماز میں, حدیث میں آتا ہے جیسے ہانڈی میں کوئی چیز کھول رہی ہو, یہ رو رہا ہے, یہ تڑپ آئے. استاد اگر مارتا بھی ہے اس لیے نہیں مارتا کہ شاگرد کے جسم پر چاپ آ جائے, دھبا آ جائے, وہ رات کو سونے نہ پائے, وہ اس لیے مارتا ہے کہ بچہ گزر جائے. ماں باپ مارتے ہیں اس لیے بچہ سدھر جائے. اس لیے ایسے خطبہ, ایسے مقرروں کی ضرورت ہے کہ ایک طرف سنانے والی قوم سناتی رہے تو دوسری طرف چلانے والے جان جان کر چلاتے رہے. اگر یہ چلانے والے نہ رہے
उम्मत हो जाएगी, उम्मत हो जाएगी। तो इसलिए हर आदमी का अपना काम है, वो अपने अपने मर्तबे में अपनी अपनी हैसियत से वो काम किया करे। तो कोई आदमी जब तक इस मकाम को ना पहुंचे, उस वक्त तक उसको हक नहीं कि वो सख्ती और तशद्दुद से काम ले। मैं फर्ज नमाज में मसरूफ था, आयत सच्चे का ऐलान हुआ तरावी में, अब मुझ पर आयत सच्चा वाजिब हो गया या नहीं है? आयत सच्चा जो तरावी में या नमाज में ऐलान किया जाता है, उसके वाजिब होने के लिए शर्त है कि आप उसी नमाज में उस इमाम की इक्तदा में हो। आपकी नमाज कुछ और है और इमाम की नमाज कुछ और है, और आपने आयत सज्दा को अपनी नमाज में सुना, तो चूंकि दोनों की नमाज डिफरेंस से बदलेगी, इसलिए आपके ऊपर सज्दे गिरावत वाजिब नहीं है। आयत सज्दे का तरीका क्या है? बदला स्वीकारो, सच्चा उसमें बैठे और सज्दे में चले जाए। घर में गला की गंदगी की वजह से एक वालिद भाई अपनी वालिद बहन के पास हो सकते हैं या नहीं, और माँ के पास ही शरीयत क्या कहती है? तो जाहिर की बात है, जिन उजरों की वजह से घर को बदलना चाहिए, ये कितना खतरनाक उजर है हमारे पास। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जयनगर में था एक भाई, मुसलसल जब फोन करता रोता, फोन करता रोता, फोन करता रोता। मैंने कहा बदला तो सही, क्या बात है? कहने लगा कि मेरी जहन से नाजायज का लुहा हो चुके, जहन हामिला हो चुकी है। उसने ये नहीं कहा कि जहन से हम बिस्तरी करना जायज है या नाजायज है, जहन के बालों सोना है या नहीं, ये पूछ रहा है कि हमल को बदा करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ। शरीयत ने 7 साल के बाद बिस्तरों को अलग करने का हुक्म दे दिया है, इसलिए कोई बालिग भाई अपनी बालिग बहन के पास न सोए। किसी लाइब्रेरी में या किसी मस्जिद में वार्डमैन की ड्यूटी कर ले, चप्पलों की चीजें करने की ड्यूटी कर ले, अपनी वालिद बहन के पास सोना शरीयत की इजाजत नहीं देती। तो जहाँ घर की और मजबूरियों से घर बदला जा रहा है, क्या ये मजबूरी नहीं कि एक वालिद भाई और एक वालिद बहन एक बिस्तरे पर सोए, और एक वालिद बेटा और एक माँ एक बिस्तरे पर सोए? इसलिए इनके लिए जरूरी है, शरीयत इनको बिल्कुल इजाजत नहीं देती। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये दो वालिदैन एक बिस्तरे के अंदर सोए। ये तो भाई बहन की बात कर रहे हैं, शरीयत तो ये कहती है कि दो मर्द वालिद एक बिस्तरे पर ना हो, ये अपने बिस्तरे को अलग रहेंगे। मुसलमान मर्द को सोना पहनना क्यों हराम किया गया है? और जो लोग राजो वाच पहनकर नमाज पढ़ते हैं, क्या उनकी नमाज कबूल हो जाती है, पूरी हो जाती है, क्योंकि राजो में सोना इस्तेमाल होता है? मैंने आपको पहले बताया, अल्लाह ने मर्दों को जिहाद के लिए, बहादुरी के लिए, शिजात के लिए, और जो बाकी अभियान है उनका मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने तैयार किया। सोना जो कोल्ड है, इसकी खासियत यह है कि औरत के अंदर ये नरमी को पैदा करता है गोल्ड। इंसान अगर सोने और गोल्ड का इस्तेमाल करें, इसमें निस्वानियत औरत पना पैदा हो जाता है, औरत की सिफात पैदा होने लगती है, जिहाद से भागता है, हक कहने से भागता है, सच्चाई के मैदान को छोड़ देता है। इसलिए मर्दों को सोना पहनना हराम करार दिया गया है। राजोवाद में अगर बराह रात सोने को इस्तेमाल किया गया है तो उसका इस्तेमाल नाजायज है। अगर उसमें अंदर किसी गुर्जे में सोने का इस्तेमाल किया गया या प्योर सोने के पानी को चढ़ाया गया, तो ऐसी सूरत में राडो बाट का पहनना जायज है। औरत कब्रिस्तान जाना मना है, क्या सही है या गलत है? उन्होंने पूछा है, औरत कब्रिस्तान नहीं जा सकती, एक सूरत में जा सकती है, वो मरने के जिंदा अगर जाएगी। अल्लाह के हदीस पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई। कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो इन्होंने पूछा है कि 40 दिन तक कपड़े पहन सकते हैं या नहीं, और हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो 40 दिन तक कपड़े कोई नए पहन भी सकते हैं या नहीं? ये बड़ी मुसीबत है हमारे समाज में, माशरे में, के किसी का इम्तहान होने पर सब लोग शोक करने लगते हैं। सिर्फ औरत को 4 महीने 10 दिन शोक करने की इजाजत है, तो है
उस बीवी को चार महीने तक दिक्कत उसको शोक करने की उसको इजाजत दी गई है। लेकिन जो कई ऐसा है जैसे बेटा है, भानी है, बहन है, इनको अगर शोक करना ही है तो तीन दिन और तीन रात तक ये शोक कर सकते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल शोक करने की इजाजत दी है। अच्छे समझते हैं कि रमजान में शुरू में हमारा बाप मर गया, हमारी माँ मर गई, तो हम क्यों कपड़े खरीद कर पहने, कपड़े नहीं पहन रहे हैं, और जो है आप घर के अंदर कोई इनका पकवान नहीं पक रहा है, और क्यों साहब हमारे बाबा को मरे हुए अभी 40 दिन नहीं हुए, इस किस्म का दुख है। अरे कि आप इनको सिर पे पहने और आपने घर में सादा खाना खाए, किसी और वजह से जायज है, लेकिन शोक मनाने के लिए ऐसा करना नाजायज है। शोक मनाना दूसरों के लिए जो है वो तीन दिन और तीन रात है, और इनकी बीवी है यानी शौहर मर गया उसकी बीवी के लिए 4 महीने 10 दिन, या अगर वो आमिला है यानी खेत तो है वो बेटो, मरने के बाद सिर्फ बजे अमल होगा, तो जैसे ही बच्चा पैदा करेगी उसका शोक भी खत्म हो जाएगा। वो 10 दिन में बच्चा पैदा करे या 4 महीने में बच्चा पैदा करे या 9 महीने के बाद पैदा करे, वो अलग बात है। आमिला है तो बजे अमल से उसका शोक खत्म हो जाएगा। साहिब ने लिखा उमरा करने का इनका इरादा है, रुपया पैसा भी है इनके पास, क्या वाले की इजाजत जरूरी है। मैंने बतलाया इबादात के मामले में हर इंसान खुद मुकल्लफ है। हज आप पर फर्ज हुआ है आप कहेंगे, वालिदैन पर फर्ज हुआ है वालिदैन कहेंगे। आप नमाज खड़े होकर पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, वालिद बूढ़े हैं वो बैठ कर पढ़ सकते हैं बैठ कर पढ़ें। ऐसा नहीं कि मेरा बाबा तो बैठ कर पढ़ रहा, भैया का खड़े होकर पढ़ना उसकी इबादत उसके साथ, आपकी इबादत आपके साथ, ये तो है शरीयत का कानून। लेकिन अगर कोई अखलाक के एतबार से मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरी परवरिश की, मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं उमरा कर सकूँ, हज कर सकूँ, अगर इन तरीकों के साथ कुछ और गुंजाइश के साथ माँ को दे रहा है, बाप को दे रहा है, लेने अगर गुंजाइश नहीं है खुद कर सकता है, कयामत के दिन हर जीत कोई पकड़ लूँ और ये माँ बाप की नाफरमानी में कोई नहीं शुमार किया जाएगा। हरीफ का रहा है असल से मकई तक नदी के तथा बैठने से बहुत सवाल है, इसी तरह से बजे की नमाज से जोर की नमाज तक या जोर की नमाज से असर की नमाज तक नफी के एहतिकाफ रह सकते हैं या नहीं। असर से निकासत का जो एहतिकाफ है इसको खासतौर से हदीस के अंदर इसकी फजीलत बयान की गई। 3 नमाजें तकबीर उला के साथ मिलेंगी और ये वक्त तरीकों की आमदो रफ्त का है। फजर से लेकर जोहर तक और जोर से लेकर असर तक ये कोई खास वक्त नहीं है। अगर कोई नफी एहतिकाफ जिनमें से बैठे सवाब को मिलेगा, लेकिन असर से इशार तक पर जो उम्रे और हज के सवाब का वादा है वो वादा दूर है नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस्तिगफार कैसे करना चाहिए, आपने किस तरीके का गुनाह किया है, सगीरा गुनाह किया है तो फिर आप चलते फिरते किसी पर गई तो आयत को पढ़ लिया या दरूद को पढ़ लिया, छोटा मोटा सफा कर दिया और दिल में तौबा की नियत कर ली, इंशाअल्लाह माफ हो जाएगा। लेकिन अगर गुनाह बड़ा है तो जैसे कपड़े पर जिस दर्जे का मैल लगता है उसी दर्जे की रगड़ की जाती है, मैल ज्यादा हो रगड़ कम हो तो मैल अपनी जगह बाकी रह जाता है। तो गुनाह कैसा है इस सफार कैसे करे, अगर गुनाह बहुत सख्त है रोकर धोकर हजारों तौबा कर हजारों हजारों मरतबा इस सफार कर आप इस सफार करें। एक बुजुर्ग ने क्या सच फरमाया, इस्तग़फारुना यहतालू इला इस्तग़फारिन कसीरिन, हमारा इस्तग़फार भी यानी जो हम अल्लाह से माफी तलब करते हैं वो इस्तग़फार भी इस्तग़फार का मौका है, यानी वो खुद कसूरवार है, वो खुद पहला है। इसलिए इस्तग़फार की जो शरायत है उस शरायत के साथ इस्तग़फार करना चाहिए। असर के वक्त का बाद नमाज मगरिब या इशा के वलीमा का मसनून रिवाज आम होता जा रहा है, आप इसके बारे में तफसील से बताए। ये बिल्कुल सही तरीका और मशहूर तरीका है कि निकाह के बाद लड़का अपनी तरफ से वलीमा करे, ये सुन्नत के मुताबिक है। तम्बक्कू के जहनों में बाद लोगों के लिए है कि जब तक मियां बीवी मुबाशरत ना करे, मुलाकात ना करे, इनके कमरे में छोड़ा ना जाए, उस वक्त तक वलीमा नहीं हो सकता। ये इंसानों का पैदा करता मसला है। निकाह जब हो गया तो शौहर खुशी के तौर पर जो लड़की हराम थी खुदाबंद कुद्दूस ने इसे मेरे लिए जीनत बना दिया और इसको हराम कर दिया, इसके शुक्राने में जो खिलाता है इसको वलीमा कहते हैं। पर करो कि आपने वलीमे को 3 दिन के बाद रखा, औरत को ब्याह करके कोई शौहर लाया,
उसी दिन उसकी महामारी शुरू हो गई और उसके अज्ञान में हैज शुरू हो गए। अज्ञान में हैज में शौहर बीवी से मुलाकात नहीं कर सकता। अब तीन दिनों में उसने मुलाकात नहीं किया, आपने रुके प्रिंट कर दिए, इस बार में निकाह था और रात में वलीमा था, औरत की महामारी आ गई तो क्या और एक आप रोका प्रिंट करेंगे? नहीं नहीं साहब, मेरी गुरु से मिला नहीं, अब जो है फिर मैं आपसे रिज्यूमा वो कर सकती। ये सब गलत बातें हैं। बीवी से मिलने पर वलीमे का ताल्लुक खुद रहे निकालते है और इस विवाद को आरम्भ से और इस विवाद को कॉमन करें, लोगों को बताएं, नदी के सुन्नत को जिंदा करें और लड़की वालों पर जो बोझ पड़ रहा है इस बोझ को हल्का करें। चाहिए कैलेंडर के मुताबिक पहले का वक्त इन्होंने शुरू में चाहे विकास कहा बता कहा, लेकिन हमारे घर के पास एक गैर मतलब वालों की मस्जिद है जिसमें पौने पांच पर ही अजान हो जाती है। क्या अजान सुनकर हमको सही करना भूल गएगा? नहीं, ये जो औकात आए हैं कैलेंडर शहरी और इसाई के, ये पूरे शहर के उलमा का मुत्तफ़ा फैसला है, यानी इसमें कुछ जुजी इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन जब इन्होंने तय किया तो सब उलमा मकतब फिक्र के एक टेबल पर बैठकर उन्होंने एक नक्शा मुरतब किया है। इस नक्शे में जो फिरके वाला और जो मतलब वाला हटेगा, अभी के पास में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, मन जो जमात से अलग होगा अल्लाह उसे ऐसे ही अलग जहन्नम में भी डाल देगा। इसलिए अगर कोई एक मस्जिद वाले इससे बगावत करते हैं और इस नक्शे को नहीं मानते और वक्त से पहले अजान दे रहे हैं तो वो काफी कृपा है उम्मत मुस्लिमा से हटा हुआ, वो अजान हो रही हो वक्त से पहले आप अपनी सही खा सकते हैं। वो जो कैलेंडर उलमा के मुंतफा फैसले से आया है आपका हल इस पर होना चाहिए। उन्होंने पूछा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आने का सफेद भी हुआ करता था और आपका मामा चारण का होता था, अल्लाह के नबी ने कहा सल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था सफेद कपड़ा और ज्यादा आप सफेद कपड़े ही को इस्तेमाल करवाया और आपका मामा भी अक्सर सफेद हुआ करता था क्योंकि आप तेल लगाया करते थे तो सर से जितनी भी एक टोपी लगा करती थी जो तेल को जज्ब कर लेती और अमामे पर तेल का अतराज ना दिखाई देते थे। कभी आपने सियाह अमामे को भी इस्तेमाल किया है और कभी आपने सब हरे रंग के अमामे को भी, लेकिन ज्यादा जो पसंद था आपने फरमाया अपने लिए हिंदुओं के लिए सफेद और मुर्दों के लिए भी सफेद कपड़े को इस्तेमाल करो, इसलिए भी मुझे पसंद है आपने फरमाया है। इसलिए अगर कोई सफेद कपड़ा पहनता है आपका एक वाले का पसंद का विवाद होने की वजह से तो सवाल मिलेगा, अगर इस रंग से हटकर कोई पहनता है इस पर कोई बवाल नहीं कोई मुआवजा नहीं, लेकिन ये आपकी पसंद की। एक बात ये है कि शराब किन वक्तों में ले सकते हैं, जिन वक्तों में आपकी जरूर आपको सता रहे, ये कोई पूछने की बात है। शराब अल्लाह ताला को बड़ा नापसंदीदा प्रेम है, ये कोई मामूली बात नहीं। अगर कोई मजाक से भी अपनी बीवी को तलाक दे दे तो तलाक वाक हो जाएगी। तलाक तलब तो समझ कर तलाक करना चाहिए, जिसे मजाक में गुस्से में इसको बिल्कुल जो है अपनी जुबान से इज्जत को नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल सही एतबार से बीवी मिलने के लायक ना हो, गैरों के ताल्लुकात हो गए हो, अनबन हो रही हो, औलाद की तरबियत ना कर रही हो, शौहर के मांग में बेपनाह की हालत कर रही हो, इसके साथ रहना जहन्नम की जिंदगी बसर करने के बराबर हो गया हो, तब जाकर आखिर वक्त में जब सबर का पैमाना नबरेज हो जाए तब शराब लेना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते अगर कोई शराब कदम निकालेगा तो ये अल्लाह के यहाँ बड़ी फखर होगी। इसकी आपकी अजवाजे मुतहरात का तल्लुक और आपकी औलाद कितनी है और आपकी नस्ल बाकी है या नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 थी 11 अजवाजे मुतहरात से आपने निकाह करवाया है और आपकी कुल 8 औलाद है, 4 लड़कियां हैं, इनमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, लड़कों के बारे में इख्तलाफ है, बाद में 2 बताया, बाद में 3 बताया, बाद में 4 बताया, ताहिर और मुताहिर एक नाम बताया, इब्राहिम और अब्दुल्ला एक नाम बताया और कासिम इब्राहिम एक नाम। क्यों लड़कों के बारे में इख्तलाफ? इसलिए कि आपका कोई मेल लड़का मुजक्कर लड़का बाकी ना रहा, बचपन ही में आपके बच्चे इंतकाल कर गए और आपके नबी होने से पहले तारीख को हिस्ट्री को लिखने का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन नबी बनाए गए, सहाबा आपके दीवाने हो गए,
तो दाढ़ी के सफेद बालों को भी गिनकर बता दिया। लेकिन जब आप शुरू में से नबूवत से पहले वाले कौन कार्य किस्सा था, इसलिए आपके लड़के जब बचपन में इंतकाल कर गए, लड़कों के बारे में इंतकाल दो से तीन से चार जहरहाल लड़कियां तो चार तक थी, इसलिए के चारों बागात थी और शादियां हुई, लड़कियों के बारे में कोई डाउट नहीं, लेकिन लड़कों के बारे में इख्तलाफ है। और आपकी नस्ल क़यामत तक बाकी रहेगी, इसलिए के सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल मेरे रब्बी का वन है इन्ना दानिया का वन अफसर। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके लड़के इम्तहान फरमा गए तो काफिरों और मुशरिकों ने आपको ताना दिया, आपकी नस्ल खत्म हो रही है, तो अल्लाह ने कहा नस्ल तो तुम्हारे दुश्मनों की खत्म हो जाएगी, तुम्हारा नाम और निशान क़यामत तक बाकी रखेंगे। तो लिहाजा आप भी आप आए द्वारा खानदान की खानदान और फिर ये खानदान अपनी पूरे आबोताब के साथ मौजूद है, और इंशाल्लाह आपकी हसन नस्ल और आपकी जो नस्ल है इंशाल्लाह वो क़यामत तक रहेगी। उन्होंने कहा कि तालिबान कैसे जितने हैं, इनका देखा क्या है? आप जानते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के एक मखसूस किस्म की कौन है जिनका मत दुनिया में एलाए कलिमतुल्लाह और इस्लाम और ईमान की बुनियाद पर हुकूमतें कायम करना और कुफ्र और शिर्क और बुतपरस्ती का खात्मा करना इनका मकसद है। तालिबान असल में नाम है तालिबान उलूमे नबूवत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम को तलब करने वाले, जैसे कहते हैं तालिब इल्म, तो इसकी जमा है तालिबान। तो ये लोग अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के तालिब हैं, इसलिए इस जमात को इस कौम को तालिबान कहा जाता है। आज भी अल्लाह ताला उनको फतह और कामयाबी से हम किरार कर रहा है, पूरी दुनिया में काफिरों हिजर को और यहूद और नसारा के छक्के छुड़ा रहे हैं। और हदीस के अंदर भी फेंकी गई फरमाई गई कि दुनिया के अंदर अफगानिस्तान के रास्ते से एक कौम मुसीबत आएगी और पूरी दुनिया में ईमान और इस्लाम के परचम को ले जाएगी। सवाल किया है कि उनकी कॉलेज में या ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक ही दस्तरखान पर औरतें और मर्द की तारी में जमा हो जाते हैं और महरम गैर महरम सब लड़कियां और लड़के सब जमा हो जाते हैं, तो इस तरीके से इफ्तार करना जायज है? इफ्तारी के वक्त खुदा की रहमत के खुसूसी फरिश्ते नाजिल होते हैं, इफ्तारी के वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है, और ये इफ्तारी के दस्तरखान के अंदर गैर महरम लड़कियों को बिठाना हराम काम है। मुमकिन है अल्लाह ताला उस इफ्तारी के दस्तरखान की रहमतों और बरकतों को छीन ले। यहाँ पर एक दूसरे पर नजरबाजी होगी, लड़कियां लड़कों को देखेंगी और लड़के लड़कियों को, तो खुदा की रहमत के पैर लेकर जाएंगे। देखिए दस्तरखान जो इफ्तारी का होता है और उसमें जो मेवाजात रखे जाते हैं, ये मेवाजात स्पेशल रमजान के लिए, हर साल सेब रहता है, अनार रहता है, अमरूद रहता है, केला रहता है, समोसे रहते हैं, लेकिन कभी आप दूसरे औकात में रमजान के अलावा एक दस्तरखान सजाए और उसके अंदर इससे बेहतरीन बेटियों के आइटम रखें और बेहतरीन कीमत पीने के समोसे रखें, अल्लाह की कसम रमजान में इफ्तार में जो लज्जत मिलती है वो क़यामत तक नहीं मिल सकती। ये अल्लाह की खास रहमत खास बरकत गैर महरम औरतों को बिठा लेंगे तो वो सायका जुबान का खत्म हो जाएगा। उसको अगर खाना है तो आप गैर महरम लड़कियों को अलग कर दें। फिर इन्होंने पूछा है कि अगर इंसान के जिस्म पर कुत्ता और खिंजीर लग जाए, सुअर लग जाए तो क्या हुक्म है? अगर इसका पसीना लग गया और इतनी मिकदार में लगा कि जिससे कपड़ा नापाक हो जाता है, एक रुपये का जो बिल आता है इतनी मिकदार में अगर लग जाए, या अपने हाथ की जो हथेली का अंदरूनी हिस्सा है इतनी मिकदार में लग जाए, तो फिर जो है वो कपड़ा नापाक हो जाता है। या कुत्ता या खिंजीर कीचड़ में डूबे हुए हैं और पानी से भीगे हुए हैं और ये कपड़ों पर लग गए, तब भी यह इंसान का कपड़ा नापाक हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि जंगल की बाद मसाजिद में दुआएं नहीं होती फर्ज नमाजों के बाद, जैसे कि बजवाड़ी की मस्जिद में और लाल मस्जिद में, इनको मुहानता हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है, गलत फहमी हो गई है। हकीकत में दुआ होती है लेकिन वो दुआ सिर्री और आहिस्ता होती है। मैंने पहले भी कहा कि असल में जो दुआ है नमाज के बाद वो आहिस्ता ही करना अहम सुन्नत के मुताबिक है। जिन मस्जिदों में दुआ जोर से की जाती है वो खिलाफ सुन्नत है
اور اصل افضل طریقے کے خلاف ہے. اس لیے جن مساجد میں جہری دعائیں ہیں وہاں پر آپ سنت کا ماحول پیدا کریں. یہاں اگر کوئی کہے کہ آپ بھی دعا پڑھاتے ہیں مغرب پڑھاتے ہیں جہری دعا کرتے ہیں تو فوراً ہم اس کو اس لیے نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا ماحول نہ بنایا جائے اور لوگوں کے اندر سنت کی عظمت اور مسئلے کی حقیقت کو نہ بتایا جائے. اب یہاں بتانے کا موقع تھا ہر آئے دن ایک فتنہ ہر آئے دن ایک آزمائی قدم کو آپ جمنے دینا تو ہم آپ کو کوئی بات بتائیں قدم جمنے ہی نہیں دیں گے تو ہم آپ کو کیا کوئی مسئلہ بتا سکتے ہیں. تو بہرحال اس مسجد کے اندر ہی جو دعا ہو رہی ہے سنی وہ اہل سنت کے مطابق ہے جہاں زور سے ہو رہی ہے وہ سنت کے خلاف ہے. اگر یہ جو فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہے دعا کا یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے جن اوقات میں دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کروایا تہجد کی نماز کے بعد اور فرائض کے بعد رات کی تنہائیوں میں رو رو کر تو اگر کوئی امام دعا کرے آپ اگر چاہیں تو اس دعا پر آمین کہیں یا نہیں تو آپ جو ہے اپنی دعا اپنے آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. امام اور مقتدی کا رشتہ جو رہتا ہے وہ صرف سلام تک رہتا ہے. سمجھ گئے؟ سلام کے بعد امام کون گی مقتدی کون گی. صحیح سے دور کی چار رکعت میں آپ تین رکعت کے بعد آئے یا یہ کہ ایک رکعت کے بعد آئے تو آپ بقیہ نماز پڑھتے ہیں کب پڑھتے ہیں؟ دعا کے بعد پڑھتے ہیں یا سلام کے بعد پڑھتے ہیں؟ سلام کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر امام کی ابتدا دعا بھی کرنی ضروری ہوتی اور دعا بھی نماز کا ایک پارٹ ہوتا ایک حصہ ہوتا تو ان آنے والے مجبور کو کہا جاتا کہ تم جو ہے اپنی جو بقیہ نماز ہے اس نماز کو امام کے دعا ختم کرنے کے بعد کرو نہیں سلام کے پھیرنے کے بعد حصہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہیں فرض نماز کے بعد بعض مسجدوں میں الفاتحہ کہی جاتی ہے بعض مسجدوں میں نماز و ملائکہ ہو بعض مسجدوں میں زور سے دعا تو آپ ایک کام کریں اس وقت اپنی جو خصوصی حاجت ہے اردو میں تمل میں کنڑا میں انداز میں زبانوں سے پیدا کیا اس لیے آپ کسی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں. دعا کے آداب کے ساتھ کوئی لازم نہیں کہ آپ امام کی دعا پر آمین کہا کریں. انہوں نے پوچھا ہے کہ غسل خانے میں پورے کپڑے نکال کر غسل کر سکتے ہیں یا نہیں. غسل خانہ اگر کھلا ہوا ہے یعنی جس کا ڈور نہیں ہے یا اس پر ایسا پردہ لگا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہوا کے جھونکوں سے پردہ ہلتا رہتا ہے تو ایسے غسل خانوں میں ناک سے لے کر گھٹنے تک کپڑے کو ڈھانپ کر غسل کرنا چاہیے. اگر غسل خانہ پوری طریقے سے بند ہے افضل تو یہی ہے کہ کوئی کپڑا ایسا لگائے جو گھٹنے سے ناک تک لگا رہے ہیں بہتر یہی ہے. نہیں اگر کسی آدمی کو اندیشہ ہے کہ جس لنگی میں وہ ڈھا رہا ہے اس میں ناپاکی لگی ہوئی ہے اور اس میں گندگی لگی ہوئی ہے یا عورتوں نے ان کپڑوں کے ساتھ غسل کرنا چاہا ہے جن میں لڑکوں نے لڑکیوں نے پیشاب کر دیا ہے بچوں نے استنجا کر دیا ہے اب اگر پانی نہ آئیں گے وہ گندگی پھر دوبارہ جسم کو لگنے کا اندیشہ ایک وسوسہ دل میں. عورتوں کو بھی اجازت ہے مردوں کو بھی اجازت ہے بشرطے کہ پوری طریقے سے غسل خانہ محفوظ ہو اور کسی کی نگاہ اندر نہ آ سکتی ہو. اپنی کپڑوں کو سر سے لے کر پیر تک پورے نکال کر نہا سکتے ہیں اور اسی نہانے میں وضو ہو جائے گا. الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں دل میں وسوسہ لانے کی ضرورت نہیں کہ ننگے پن سے پانی نہ آیا تھا اب کپڑے پہن کر وضو کروں گا کوئی اس کی حاجت نہیں اور کوئی اس کی ضرورت نہیں. اگر کوئی مادر ذات بیانہ ہو کر اپنے کپڑوں کو نکال کر بند غسل خانے میں غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. صحت کے سوال میں کوئی اس کے اندر پریشانی نہیں ہے. بن چندری نے کرنڈا کی مزید میں 20 سال سے چائے محمد کرن کتابیں ہیں مہنگا میں فاصلہ دلاتے ہیں اور جاگرن کو جاتے ہیں ان کا کھانا بھی کھاتے ہیں پور کی فاصلہ کا کھانا بھی کھاتے ہیں اور مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی جو ہے پڑھاتے ہیں اور دعا بھی 5 وقت دور سے کرتے ہیں. ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط؟ میں نے آپ کو بتلایا کہ جو امام زندگی ہو ابدالی کی بات ہوئی امام جو فاصلہ بھی دلاتے ہیں جاگرین بھی کھاتے ہیں باہری بھی کھاتے ہیں حلال کی حرام کی کچھ تمیز نہیں کرتے. امام جو ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے مقتدیوں کا. امام مقتدیوں کی نماز کو اتنا پاور فل اس کا آواز پاور اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ طاقت ٹاؤن کی شیوازی نگر کی نماز کو حج تک لے جا سکے. سمجھ گئے؟ اتنا طاقتور
इसीलिए तो थोड़ी थोड़ी बातों पर कहा जाता है कि साहब ऐसे को इमाम ना बनाओ जिसकी दाढ़ी कटी हुई है, ऐसे को इमाम ना बनाओ जो कुल्लम कुल्ला अलग ऐलान गुना है कभी, क्यों कहा जाता है? इसलिए ये क्या होता है, अल हदीस में कहा गया अल इमाम जामिनुल, इमाम जो होता है वो जमानत वाला होता है। कोई आदमी खुदा ना कहे किसी मारवाड़ी के पास अपनी बीवी का हार गिरवी रखा और उसे 50,000 रुपए लिए, अब जब वो 50,000 रुपए सूद के साथ लौटाएगा तो मारवाड़ी जिम्मेदार है उस हार का, अगर नहीं देगा तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उससे 1,000 गुना ज्यादा मान लिया जा सकता है। तो जैसे वो जामिन है, इमाम जामिन है मुक्तदियों का कि उनकी नमाज को अमानत के साथ खुदा के अर्ज तक पहुँचाए, इसलिए इमाम जितना परहेजगार होगा नमाजों में इतना ही मजा आएगा, इतनी ही लज्जत आएगी। आज नमाजों में दिल न लगने की एक वजह ये भी है कि इमाम के तेज में हराम का लुकमा होगा, इमाम बिदअती होगा, इमाम फासिक होगा, कितना किराज में क्यों ना गाए लेकिन नमाज में दिल ये करता है कम वक्त कब नमाज खत्म करेगा। इसलिए परहेजगारों को इमाम बनाना चाहिए, फासिक और फाजी और बिदअती अगर इमाम है, महल्ले की भी मस्जिद हो उस मस्जिद में नमाज पढ़ कर दूसरी मस्जिद में जहाँ सही इमाम हो वहाँ आप नमाज पढ़ें। कुछ लोग एतराज करते हैं कि साहब महल्ले की मस्जिद को छोड़ना क्यों कर जाए है। मैंने हजारों मरतबा कहा है कि लोग अपने महल्ले की होटल की चाय छोड़कर दूर के होटल में जाकर चाय पीते हैं, अपने महल्ले के ताबी महल को छोड़कर बेहतरीन 40-50 महल लेते हैं, तो आप अपने महल्ले के ताबी महल को क्यों छोड़ रहे हैं जब दुनिया के लिए अच्छाई के लिए दूसरी तरफ जा रहे हैं? तो नमाज से बढ़कर और क्या नेमत हो सकती है? तो बिदअती और फासिक के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह है। आप उसके पीछे भले से महल्ले की मस्जिद हो छोड़कर ऐसी मस्जिद में जाएं कि जहाँ पर इमाम मुत्तकी परहेज़गार हो और सुन्नतों का पालन हो। हमारे यहाँ अक्सर औरतें पड़ोस में वो जो हर दिन 10 बजे निकली है हरम शरीफ से मक्का मुकर्रमा में जो तरावी आती है, वो औरतें तरावी की नमाज पढ़ती हैं, क्या टीवी है देखकर तरावी पढ़ सकते हैं या नहीं? इस मसले का मुकर्रर जवाब दीजिए। तो हम ये इमामत करेंगी तो ताबे इमाम के नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे ताबे टेलीविजन की और ताबे पावर की करेंगी। ये करंट गया तो इसकी इंतजार भी टूट गई, भाई करंट चला गया इमाम साहब एक अरकात पढ़े और एक अरकात बाकी है तो ये क्या करेगी? तो देखा है ऐसी इक्तदा नहीं हो सकती मेरे भाई। इक्तदा के लिए कंटिन्यू शर्त है, सतर्क एक चैन की कड़िया एक दूसरे से चैन संकल होगी ना, एक दूसरे से मिली हुई। अगर कोई फजर की नमाज यमीन साकिब के साथ पढ़े या टारगेट टाउन के रोज में पढ़े, इमाम साहब पढ़ा रहे हैं और उसने यजम को रख दिया, एक मोबाइल को ऑन करके रख दिया, यहाँ और गोइंग है वहाँ इनकमिंग है, काम के अंदर उसने जो है एयरफोन पर रख लिया और वहाँ वो नमाज पढ़ रहा है अपने घर में या रोड पर, तो उसकी नमाज 100 मरतबा पढ़े नहीं होगी। लेकिन यही नमाज अगर कोई जुमा में पढ़ रहा है उस रोड पर हो रही है, क्यों? इसलिए कि जुमा में जैसे चैन की संकल की कड़िया एक दूसरे से मिली हुई है, तो पहली सब दूसरी से, चौथी सब एक टू एक से, एक टू एक सब एक टू दोनों से, तो ऐसा अगर पूरे बेंगलोर तक भी चला जाए तो नमाज हो जाती है। लेकिन अगर तीन गाय के जाने और आने का रास्ते का डिस्टेंस दरमियान में हो जाए फिर कोई आदमी उस बार नमाज पढ़े तो उसकी नमाज नहीं हो सकती। तो जब तीन गायों के डिस्टेंस के बाद नमाज नहीं हो सकती, हजारों किलोमीटर के बाद टीवी में देखकर आप तरावी कैसे पढ़ सकते हैं? जिन्होंने तरावी पढ़ी उनकी तरावी नहीं हुई और आने का स्टेशन की कोई हिमाकत और ध्यान रखना करें। लिखा है नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, अब इतनी बड़ी बात इतनी छोटी थी इसमें नहीं हम कह सकते, आप उसके लिए किताबें पढ़ें या उलमा के से रुजू हो, एक एक बारे में बतलाना पड़ता है। तकबीर तहरीमा के लिए कैसे हाथ उठाए, हाथ बांधने का तरीका क्या है? आप देखिए रमजानी मुबारक के अंदर जैसे आपने वो देखा होगा करंट था आदमी करंट की आवाज लोग पढ़ते हैं, हाथ पकड़ा लकवा मारा सीने पर गया और एक्शन लिया रुकू में गए मुंडी फिरी और उठकर भाग गए। क्या पढ़ा, क्या हुआ, क्या सुना, कौन से दरबार में आया, कुछ क्या सुना कुछ पता नहीं, समझ गए
तो एक लंबी चीज है, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक आदमी साइकिल चलाने से पहले साइकिल जो चलाया हुआ रहता है उसके पास ट्रेनिंग लेता है। एक आदमी स्विमिंग पूल में तैराकी की ट्रेनिंग लेता है। अल्लाह के दरबार की नमाज को बगैर ट्रेनिंग किया जाओ। उसने देखा डुबकी मारते, इसने डुबकी मार दिया। इमाम साहब ने कहा दूसरी रकात में से जाए, ये भूल गया, रुकू में चला गया, एक आदमी मारे इन्हें भी मार गया। ये सब खेल लगा के खुदा के दरबार में नहीं चलता। एक एक चीज को समझना पड़ता है, एक एक चीज को सीखना पड़ता है। अरे अल्लाह के बंदो, एक मैकेनिक की दुकान में एक आध बच्चा मैकेनिज्म सीखते है, दुनिया भर की जमीनों इतनी गाड़ियां लेता है कम वक्त वो मैकेनिक के, अगर उसे दिखा जाए तो ये ग्रामीण तालीम के सत्तर भी घर जाएंगे। एक इतवाना को अम्मा भान की गाली, एक कटिंग प्लेयर को दादा की पीर दादा की गाली। दानिया दिए बगैर नहीं होता। दानिया सुन 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 कर जब ये कोई संतमारी होता है, नमाज इतनी हल्की है कि नमाज मस्जिद में आकर किसी को देकर भी देंगे आप, या किसी से सुनकर भी देंगे, किसी के चुटू के पास चले जाए, किसी आलिम के ताले हो जाए, किसी नमाजी के पैर पकड़े और उनसे कहें कि आप हमें नमाज सिखाइए भैया, तो आप कई दिनों के बाद नमाज सीख पाएंगे। हर दो रकात तरावी में तरह पढ़ना जरूरी है। मैंने कहा नमाज की तरावी की जो 20 रकात तरावी है, हर दो रकात सफरेत है, इसलिए हर दो रकात के अंदर जो है आपको तना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सुस्त काहिला नहीं, गृहिया जाकर अपनी शराब देने के बाद सिक्के भी तस्वीर लोग बैठे, क्यों मालूम इमाम अब नंगी नमाज पढ़ता है, खंडने को इधर गर्दी उठा ले को, अब इमाम जो है पता चला रुकू में लगा छक्के उड़ा और उसके जवाब घटा बांधा और चला गया। तो अगर कोई आदमी शराबी में ऐसे वक्त में आया कि इमाम की शराब चालू हो गई है, तो ऐसे वक्त में तना ना पड़े वो, समझे। जब रुकू में जाए तो सब वो तना पड़ ले। जोहर में असर में खामोश जो नमाजी है, जब चाहे आए तो वो तना भर सकता है। पहली रकात में, दूसरी रकात में, तीसरी में, चौथी में जब आए तो वो तना पड़ सकता है, इसलिए कि इमाम के खिलाफ आहिस्ता हो रही है। लेकिन अगर कोई मुख्तरी पटेल में आए, इमाम की किराब चालू हो चुकी है, तो वो इमाम की किराब के बाद अपनी तना को ना भरे, अल्लाह अकबर कहकर हाथ डाले, अगर वो ना मिले तो रुकू में पढ़े, वरना वो भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जहरी नमाज में आया, ईशा की नमाज में दो रकात हो चुके थे, इमाम पहली दो रकात में जोर से किराब करता है, आखिर की दो रकात में आहिस्ता को जब यहाँ करता है, तीसरी चौथी में आया तो वहां पर वो तना पड़ सकता है। अगर वो तना पढ़ना भूल ही गया, चलो चौथी में आया, इमाम सलाम घेरने को था, फट से रकात बांधा, फट से देखा उसको चला गया, एक सलाम घेरा और खड़ा हो गया, अब जब खड़ा हुआ तब वो तना पड़ सकता है, उसको याद रखे, समझ गए। तो ये बताए हैं तना पढ़ने के। हम तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नमाजों में सुनहरी ख्याल आते रहते हैं, हल्की नमाजों से हमें इत्मीनान नहीं है, और हमें अफसोस होता है कि हल्की नमाजों से हमें क्या अज्र मिलेगा। इस सिलसिले में कुछ रोशनी डाली है। मेरा ख्याल ये है, हल्की नमाज पढ़ने से ना पढ़ना बेहतर है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तौहीन होती है। ये भी शैतान का एक वसवसा है। हजरत अब्दुल मौलाना हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर किसी आदमी के दिल में वसवसा हो, मैं दाढ़ी रगड़ूं, लोग मुझे समझती मैं दिखाने के वास्ते रगड़ूं कर को, मैं टोपी पहनूं, लोग कहते हैं कि रियाकारी के लिए, शोहरत के लिए मौली साहब अमामा बांध रही, टोपी बांध रही, इन्हें कल का हमारे साथ क्रिकेट खेलने वाला, बिल्डाकुल खेलने वाला, आज दाढ़ी रख दिया और उसके दिल में ये बात आ गई, शायद ये रियाकारी ना हो जाए। हजरत ने फरमाया, इबादत को शुरू में रियाकारी ही के जरिए से क्यों ना हो, दिखाने के जरिए से क्यों ना हो, शुरू कर दो। अब रियाकारी कौन कितना दिखाएगा, एक दिन में दाढ़ी दिखाऊंगा, दो दिन दिखाऊंगा, हफ्ता दिखाऊंगा, महीना दिखाऊंगा, एक साल दिखाऊंगा, अब फिर ये जब पुरानी हो जाएगी तो ये रियाकारी आदत बन जाएगी, आदत। अब ये दाढ़ी बनाना मेरे लिए बवाल बन जाएगा, ये टोपी तोड़ना मेरे लिए बवाल बन जाएगा, फिर आदत को करते करते वो आदत इबादत बन जाएगी। इसलिए ये शैतान का वसवसा है जो आपके दिल में आ रहा है कि रियाकारी की नमाज से बेहतर है कि हम नमाज ही ना पढ़े। सौ मरतबा दिखाने की नमाज हो, पढ़े, आज रियाकारी की है, कल आदत बनेगी और यही आदत पर तो जाकर इबादत बन जाएगी। और मैंने पहले जो आपको बताया था, चोर और उचक्का खाली घर में डाका डालता है या मानकार के घर में डाका डालता है, मानकार के घर में अगर आपकी नमाज में वसवसा आता है तो ये वसवसा कौन डालता है, शैतान डालता है,
तो शैतान आपकी नमाज को खुद समझता है, तभी तो आप लिखी में बसाना ना हो। तो ये इत्मीनान की बात है, चलो मेरी नमाज मई रही ये समझ रहा हूँ, लेकिन शैतान तो इसे और भी समझ रहा, अल्लाह से ऐसा ही हो जाए तो ये तसली लेकर आप नमाज में खड़ी हो जाए, पूरी नमाज में वनपते आ जाए, आपको नमाज को हराने की जरूरत नहीं और कदम को पीछे हटाने की जरूरत नहीं, सब हिम्मत होने की जरूरत नहीं, आप अपनी नमाज में जारी रखिए, इंशाअल्लाह ये नमाज आगे चलकर इबादत हो जाएगी और अल्लाह ताला उसको कबूल करवा लेंगे। मौलाना साहब कल के बयान में आपने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहजीद की जनाज़े में नमाज पढ़ाई नहीं पढ़ाए, इसलिए कि उन्होंने दिन के दौरान बाहर उतार दिया था ये सोच कर के ये बच्चों को काम आए कि खाद में शहीद हो गए। लेकिन सवाल ये होता है कि शहीद की तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते, नमाज पढ़ाने का सवाल कहाँ से हुआ? ये कितने कहा कि शहीद की नमाज जनाजा नहीं होती, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद के कपड़े नहीं बदले जाते, ये दो काम नहीं किए जाते। इसके अलावा शहीद के साथ बचत के सारे मुर्दों के साथ जो काम किए जाते हैं वो काम किए जाते हैं, जनाजे में भी लाल फल के अगर शहीद के कपड़े इतने कम हो गए के कतरे औरत हो रहा है, जिसम शर्मदा नजर आ रही है, इसका कपड़ डाला जाएगा शहीद को उनके कपड़ों में, शहीद को उसके खून और सबों के साथ इसलिए दफन किया जाता है कि कियामत के दिन अल्लाह तबारक ताला इस शहीद को इस खून के साथ उठाकर लोगों के सामने शान करेगा कि वो शहीद है जो मेरे दीन के लिए अल्लाह तला शहीद हो गया। नमाजें जनाजा तो होती है एक, और दूसरी बात यह है शहीद कई किस्म का होता है, एक शहीद मैदान जंग में होने वाला काफिरों के मुकाबले में लड़ाई करने के लिए गया, काफिरों ने कत्ल कर दिया, ये शहीद हो गया। एक शहीद वो है हदीस में आता है जो अपनी बीवी बच्चों को खमा कर लाकर डालने के लिए गया, खला लेगी रास्ते में इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भी शहीद है। जो दीवार गिर के मर गया अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भी शहीद है। जो पेट के दर्द से मरा अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भी शहीद है। जो हज को जाते हुए समंदर में गर्क होकर मर गया अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भी शहीद है। घर जल गया और उससे ये भी जल कर मर गया अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी शहीद है। लेकिन इसको शहीद का सवाब तो मिलेगा लेकिन शहीदों के अहकाम इस पर साबित नहीं होंगे, यानी इसके कपड़े भी बदले जाएंगे, इसको गुस्ल भी दिया जाएगा, इसको कफन भी दिया जाएगा और इसके साथ पूरे अहकाम होंगे। एक हुक्मी शहीद, एक हकीकी शहीद। इन्होंने सवाल किया है, हमारे बहुत सारे साथी शिकायत करते हैं कि मौलाना मीना का बयान हो, जुमा का बयान हो, सलाम नहीं करते, इसका जवाब बताइए क्यों नहीं करते। मैं कहता हूँ इस किस्म के जो लोग सवाल कर रहे हैं ये हमारे सच्चे दोस्त हैं, दर्द दोस्त हैं। इन्होंने जो सवाल किया है वो इसलिए कि अगर सलाम करना इबादत है तो आप इबादत क्यों नहीं करते, सलाम से छोड़ना गुनाह है तो आप ये गुनाह क्यों कर रहे हैं। सच्चा आदमी वो है जो मुंह पर शिकायत करे और फिर उसके जवाब को हासिल करे। आप जाइए उन लोगों के मुंह पर शिकायत कीजिए और उसका जवाब हासिल कीजिए। जो सच्चा होता है वो आंख में आंख मिलाकर और चेहरे की चेहरा देखकर वो बात किया करता है। मेरे भाई बयान शुरू होते वक्त कुर्सी को बैठो या खड़े होकर सलाम करना ये बयान के आदाब में से नहीं है। सलाम के मसाइल अलग है। सलाम के मसाइल क्या है कि अगर किसी मकान में दाखिल हुए, सलाम के अलग अलग मसले हैं, बड़ा छोटे को सलाम करे, खड़ा हुआ बैठे को सलाम करे, सवार खड़े जो आदमी गाड़ी में जा रहा है वो पैदल को सलाम करे और आने वाला रहने वालों को सलाम करे, वो अलग अलग उसके साइज हैं। तो उसमें से एक नुक्ता ये भी है कि एक मकान में एक ही जगह में अगर एक आदमी शुरू में दाखिल होते वक्त सलाम कर लिया तो वो सलाम मजलिस के खत्म होने तक काफी है। फिर वहां सलाम गया सपना छोड़ने गए हमको, फिर सामने सत्या सलाम लेकुम और एक सत्या सलाम लेकुम, ये नहीं होता। वो सलाम पूरी मजलिस के लिए काफी है। हम जब मस्जिद में आते हैं शुरू में सलाम करके आ जाते हैं तो ये सलाम आखिरी मजलिस तक चलेगा। आप घर में दाखिल होते हैं तो घर में जब इंद्रज जब शुरू में दाखिल हो गए सलाम आपने कर दिया तो सारे घर वालों के लिए गया। वो शादी के बाद अलग अलग गैर महरम औरतों से सलाम कर वो मिलती ना वैसा नहीं करता। वो आते हरमैन के अइमा सलाम करते हैं इसलिए करते हैं, उसी वक्त वो बाहर से आते हैं सिक्योरिटी के साथ आते हैं तो मरीजों को पहली मरतबा देखते हैं इसलिए सलाम करते हैं।
अगर किसी मस्जिद में मेहराब से रास्ता है, उधर इमाम का कमरा है, घर है, और इमाम अंदर से आया तकरीर करने के लिए, तो यहाँ पर सलाम करना चाहिए। तो ऐसा मसला नहीं है कि आप उस मजमे में जाए तो जो जो आदमी मिले उसको सलाम करता जाए, तो ऐसा होगा कि भाई फिर उसके दो घंटे होंगे, उसे सलाम, उसे सलाम, उसे सलाम, उसे उठाता, उसकी सही है, उसके घर के आएगा, नहीं हो सकता। मजलिस में जाए वो मजलिस का एक सलाम मजलिस के इख्तिताम तक काफी है। मजलिस ना बदली हो, मजलिस तब्दील ना हुई हो, अब पूरी मस्जिद एक मजलिस के हुक्म में है, एक घर के हुक्म में है। और अगर कोई ये कहे कि साहब हम दाखिल होते हुए सलाम नहीं करते, तो हम मानेंगे कि हमसे गलती हुई, लेकिन कोई ये बताए कि हम दाखिल होते हुए सलाम नहीं करते, हम तो सलाम कर लेते हैं। मीराज के स्टेजों में भी यही बात है कि दाखिल होते हुए सलाम कर लेते हैं, स्टेज पर बैठे हुए लोग या सामने वाले जो लोग होते हैं वो सजाव दे देते हैं, वो आखिर मस्जिद के लिए काफी है, फिर यहाँ आकर अक्सर लोग सलाम करने की जरूरत नहीं। अब रही बात के सरदारे में क्या होगा, इतना बयान करके सलाम करवाने के साथ लखवा मरवा क्या कोई पूछा हो। असल क्या है कि बाप और खाप लोग तिलावत में, जिक्र में, नमाज में लगे हुए रहते हैं, सलाम करे चौक जाते हैं, उनकी समझ जो नमाज से हट जाती है। हम जब बयान को आते हैं दीवार में, तो कुछ लोग जो है सुनते पढ़ते रहते हैं, कुछ लोग जिक्र अवकार में मशगूल रहते हैं, बयान शुरू करें तो सुन सुन को मरट होगी, समझो नहीं आती। सलाम करें, अटेंशन प्लीज, क्या है, अब वो सुनना चाहते हैं कि क्या वो इत्तला देना चाहते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि उस सलाम के जरिए से उनकी इबादत के अंदर जो है फर्क आ जाए, वरना ये तो कोई गुनहगार नहीं, लेकिन मसला ये है कि आप घर में चले जाएं तो उस पूरे घर के लिए वो एक सलाम काफी है। और इस किस्म की कोई बात कोई देखे कि आप खिलाफ एक तरह काम कर रहे हैं, तो हम ये समझेंगे ये आदमी हमारा मोहसिन है, एहसान करने वाला। सच्चा दोस्त वो है जो मुंह पर जिस चीज को देखे उसको बयान कर दे। हदीस में आता है अगर कोई तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफ करे तो उसके मुंह में मिट्टी डाल दो। समझ गए, तारीफ करने वाला कादरी, आयत को पकड़ने वाला, इस्लाम करने वाला, ये हमारा मोहसिन, हमारा कर्म करना, जिंदगी में हम उसके एहसान को याद रखेंगे। ये उन्होंने पूछाया कि आप अपनी सहूलत के बताए पढ़ सकते हैं, ये आठ हाथ तक है, दो अगर पकना है, दो पहने, चार पहने और छह पहने और आठ पहने, कैसे किसको पक्को पर देना, आपको ये भी बताया था। अगर कोई साजिश ने पूछे ने साजे बदला भी पूछा था, मिशन के साजुक है जिनके पास है जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात में सब को बनाओ, तो बहुत सारे लोग अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं, रमजान मुबारक में जिक्र नहीं करते, रमजान मुबारक में जिक्र जमात के साथ बनी जाती है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का अदिया है, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, हदिया है, तो इसलिए रमजान में जिक्र को अपने वक्त पर जमात के साथ करें। फिर इसके बाद सारी रात आप जो शाही इबादत करें और शहरी के बाद आखिर में शामिल पढ़ें, तो फिक्र को दोहराएंगे।